हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखिए, हम सलाइवरी ग्लैंड को जो है ना वो दो बेसिस पर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक तो हम इसको जो है साइज़ के बेसिस पे जो है वो इनको क्लासिफाई करते हैं, और दूसरी हमारे हम जो है इनको इनकी सिक्रीशन के बेसिस पे जो है वो मतलब डिवाइड करते हैं, यानी सिक्रीशन हो या सलाइवा हो कि वो वाले जो ग्लैंड्स है वो किस तरह का सलाइवा जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। तो साइज़ की बात अगर हम पहले करें तो साइज़ की बेसिस पे जो है वो हमने दो टाइप्स जो हैं वो डिवाइड की हुई हैं। एक हमारे पास होते हैं मेजर ग्लैंड्स और एक हमारे पास होते हैं माइनर ग्लैंड्स। ठीक है, मेजर ग्लैंड्स आपको नाम से ही समझ आ रही है कि वो ग्लैंड्स जो साइज़ में थोड़े बड़े होंगे, और माइनर ग्लैंड्स वो जो हमारे पास साइज़ में थोड़े छोटे होंगे। अगर हम सलाइवा के बेसिस पे इन ग्लैंड्स को डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास जो है वो दो टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास म्यूकस ग्लैंड, एक हमारे पास सीरस ग्लैंड और एक हमारे पास म्यूको सीरस ग्लैंड। यानी वो ग्लैंड जो हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लैंड जो सीरस सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूको सीरो यानी बोथ जो दोनों टाइप्स की सिक्रीशन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास म्यूकस एसिनाए होंगे, इन ग्लैंड में जो एसिनाए होंगे हमारे पास सीरस एसिनाए होंगे, और इन ग्लैंड में हमारे पास दोनों टाइप्स के एसिनाए जो है वो मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम साइज पे बात करते हैं डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे साइज़ के हवाले से हमारे पास जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हम साइज़ के अतबार से देखा जाए तो हमारे पास जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड और एक हमारे पास होते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, मेजर और माइनर आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो है हमारे पास साइज़ में थोड़े से बड़े होंगे और ये हमारे पास साइज़ में जो है वो थोड़े से छोटे होंगे। लेकिन बच्चों, इनके सिर्फ साइज़ पे जो है वो इनको डिवाइड नहीं किया हुआ, इनकी कंपोजिशन के हिसाब से भी इनको डिवाइड किया गया है कि ये लोग जो है कितना सलाइवा सिक्रीट करते हैं। अप्रॉक्स आपकी कि ओरल कैविटी में आपका जितना भी सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें 90% जो है वो आपके मेजर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और बाकी के 10% जो है वो आपका माइनर ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं। अब बच्चों, हमारे पास मेजर ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैरेटाइट ग्लैंड, फिर हमारे पास आ जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, फिर हमारे पास आ जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये तीन जो है हमारे पास है वो सलाइवा सिक्रीट करने में 90% जो है वो अपना हिस्सा जो है वो देते हैं, और ये तीनों जो है वो हमारे पास मेजर ग्लैंड होते हैं। जबकि बच्चों, माइनर ग्लैंड के जो है वो हम इतने नाम नहीं याद करती, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और आपके जो है पैलेट जो है और नीचे टंग के जो सरफेस होती है, मेंटल सरफेस, वहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं। और बस दो जगह आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो है जिंजाइवा में नहीं होते और डॉर्सम ऑफ टंग में नहीं होते। तो ये दो जगह जो है हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते। इसके तो माइनर ग्लैंड जो है वो बेसिकली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें ये कवर करना है और तीनों को जो है वो हम एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी वो हमारे पास सलाइवा की नेचर के हिसाब से थी कि जो सलाइवा जो हमारे पास सिक्रीट होता है वो कितने तरीके का सिक्रीट होता है। तो मैंने इसमें हमारे पास आ जाता है म्यूकस, और एक हमारे पास आ जाता है सीरस, और एक हमारे पास आ जाता है सीरो म्यूकस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे जो वो आते हैं, ये हमारे पास म्यूकस जो है ये हमारे पास होता है सब लिंग म्यूकस सलाइवा जो है सिक्रीट करता है हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड, सीरस सलाइवा जो हमारे पास सिक्रीट करता है वो हमारे पास पैरेटाइट ग्लैंड, और सीरो म्यूकस जो है वो हमारे पास सिक्रीट करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आप इसको सीरो म्यूकस के बजाय आप मिक्स्ड भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास मिक्स्ड सलाइवा होता है, क्योंकि इस पर सीरियस पोर्शन भी होता है और म्यूकस पोर्शन भी होता है। तो यहाँ तक जो थी तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। तो अब बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पैरेटाइट ग्लैंड।